हमारी विरासत हमारा ठिकाना विरासत हेरिटेज हरियाणा सूरज कुंड मेले में जरूर आना। विरासत हेरिटेज हरियाणा, हमने यहाँ पर हरियाणा की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विरासत है हरियाणा के अंतर्गत, हरियाणा का जो क्राफ्ट है उसमें जो दरी बनाती हुई जो महिला वो दिखेगी, बूटे बनाते हुए जो बुजुर्ग हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, और इसके साथ ही जो बुनाई की जो कला है हरियाणा की वो भी हमने दिखाई है। पेपर मैसी जो गोये बनाने की जो कला है वो भी हम दिखा रहे हैं। चूल्हे की बुनाई की जो कला है, वीविंग की जो कला है वो भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी के डोल हैं वो भी है, हरियाणवी सांची भी है, चक्की भी है, और जो पाल का दृश्य भी हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। इसके साथ ही 500 साल का हमने यहाँ पर जो आपके बाट है उन बाटों के माध्यम से मुगल काल से लेकर के आज तक पूरी बाटों की जो संस्कृति है वो हमने यहाँ पर दर्शाई है। और इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि हरियाणा के लोक परिधान खारा है, दमण है, लय है, छामा है, वो सारे हमने यहाँ पर दिखाए हैं। और यहाँ पर पानी की जो घड़ी है वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कहते हैं बैठ जाओ घड़ी दो घड़ी, तो एक घड़ी 24 मिनट की होती है। इसी प्रकार पल और उसी प्रकार पहर, वो जो हमारी पुरानी पद्धति थी वो हमने दिखाई है। और किसानी संस्कृति में अनाज मापने के जो यहाँ पर मापक होते थे वो भी अलग अलग, एक मण का, दो धड़ी का, एक धड़ी का, शेर का, मतलब अध शेर का, पाव, छटाक, सब कुछ हमने यहाँ पर दिखाया है। और यहाँ पर पूरे हरियाणवी संस्कृति के दर्शन होते हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप हरियाणा की संस्कृति के दर्शन करने हैं तो सूरजकुंड मेले में विरासत हेरिटेज विलेज द्वारा बनाया गया अपना घर के जरूर दर्शन कीजिए, जरूर आना। विरासत हेरिटेज हरियाणा। अब ये अपना नाम भी बता दो, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर महासिंह पूनिया, डायरेक्टर यूथ कल्चर एंड अफेयर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और डायरेक्टर विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र। और देखिए आप, ये चक्की है, ये चक्की चलती है, चक्की की इसमें जो परंपरा थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये छाज है और इसके साथ ये हाथ से चलने वाला एक पंखा है, बहुत ही गजब का पंखा, आप इसे देख सकते हैं, ये कमाल का पंखा है। तो ये बहुत गजब का पंखा है, ये सब पुरानी परंपरा का हिस्सा है। और इसी तरीके से ये पंखा देखिए आप, ये गजब का पंखा है और ये हवा करने का एक देसी तरीका है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम, ये कितने साल पुराना पंखा है? ये लगभग 50 साल पुराना पंखा है और ये हाथ से बनाया गया है। इसके साथ ही आप ये सांची देख सकते हैं, सांची की जो कला है वो नवरात्रों में लगती है। वैसे तो मूल रूप से 9 दिन इसकी पूजा होती है और इस प्रकार सांची की जो लोक कला है वो कले के माध्यम से हम गांव की महिलाएं से दर्शाती हैं। तो आप देख सकते हैं सांची की ये कला हमने यहाँ पर दिखाई है ताकि जो युवा पीढ़ी है वो सेल्फी इसके साथ ले सके और सांची की कला और अधिक प्रचारित और प्रसारित हो सके। ये उखड़ है जी और ये मूसल है। वो हरियाणा में कहावत है, जो उखड़ में सर दे लिया तो मूसल का क्या डर, क्या डरना। तो वो जो स्थिति है वो यहाँ पर दिखाई, वो हिंदी में हमने भी सीखी है कहावत, इसीलिए हमने यहाँ पर ये सेल्फी के लिए बच्चों के लिए उनके अंदर इस तरह के ये गदासा है, हाथ का गदासा है, इसी तरीके से सांची की जो कला है हमने दिखाने का प्रयास किया। नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रयास है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रयास। देख सकते हैं बहुत ही रेयर हुक्का है, ये लगभग 50 किलो पीतल से बना हुआ और अपने आप में बहुत ही अलग तरह का। ये इसकी चिलम है, ठीक है जी, ये इसकी तड़ी है और ये इसकी कुल्फी है और ये इसकी नय है। तो अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और हुक्का पंचों के प्याले का प्रतीक है। हरियाणा में पंचायतों में, खापों में, बारात के अवसर पर, सामूहिक आयोजनों के अवसर पर, उत्सवों के अवसर पर हुक्के का प्रयोग किया जाता है। और हुक्के के विषय में बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं। किसी ने कहा बढ़ रहे बढ़ तेरी पानी में जड़, तेरी सकरी माग, तेरे लोग रे लाग, तो बताइए क्या है? वो हुक्का ही है। तो इस तरह ये पहेली जो है, इस तरह से बहुत सी पहेलियाँ हुक्के को लेकर के हैं, लेकिन लोक जीवन में हुक्के का अपना महत्व है। इसे पंचों के प्याले के रूप में जाना जाता है। और हमने यहाँ चौपाल का दृश्य है जो इसको क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सर्विस पॉइंट है, सर्फी पॉइंट में बच्चे सर्फी खींचते हैं। लेकिन ये तो बहुत पुराना दिख रहा है, ये किस चीज़ पुराना है? ये ऐसे करके खींचते हैं इसमें, इस तरीके से खींचते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये किस काम के लिए बनाया गया था पहले? ये झरोखे थे पहले, हवेलियों में झरोखे। अच्छा, झरोखा है, झरोखा है। और ये देख सकते हैं आप, ये जुए हैं जो बैल के प्रयोग करते हैं खेत में, बैल जब जोतता है, बैलगाड़ी में जोतता है, तो सारे दिखाए गए हैं। बहुत सुंदर आपने प्रदेश। खेतों में सामान लाने के लिए प्रयोग में लाया जाता रहा है।
कीर्ति की पाया है, ये पहिए हैं, तो ये परिवहन का जो पुराने साधन होते थे रत्न में बोली है रेडू है वो सारे यहाँ पर दिखाए गए। आप देखिए हमारी संस्कृति, हमारा हरियाणा विरासत हेरिटेज हरियाणा, आइए यहाँ पर सूरज कुंड मेला केंद्र हमारी हरियाणा की संस्कृति और हमारा ठिकाना, हमारी चौपाल पर हरियाणा की चौपाल पर आप आइए सूरज कुंड मेला केंद्र। हमारा जो भी मेला पुराना काल में 2 साल से नहीं लगा था, हर घर घर में बच्चे बच्चे का ये था सूरज कुंड मेला कब लगेगा, तो आप 19 मार्च से 4 अप्रैल तक ये सूरज कुंड मेला है, आइए 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 सूरज कुंड मेला देखने के लिए फटाफट घरों से निकलिए और देखकर सड़क पर चलिए, साथ में ट्रैफिक नियमों की पालना करिए। जय हिंद।